आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला इन द एपी गिवन बाय दिस हाउ मेनी टर्म्स विल ऐड अप टू अ सम ऑफ 920। ठीक है, इस एपी की कितनी टर्म्स हमारा सम बना देंगे 920। अब एपी में n टर्म्स का सम हमें क्या गिवन होता है, n / 2 * 2a + n - 1 * b। ठीक है, और ये हमें कितना बनाना है 920। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है n। अब यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहां पे a तो गिवन है 7, a हमारे पास क्या है 7 एंड कॉमन डिफरेंस d क्या है, d इज बेसिकली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। This is 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3. तो हमारा तो सेम ही रह रहा है, common difference तो सेम ही रहेगा, AP है। तो A and D की values मेरे पास आ गई है। अब N के लिए solve करना start करते हैं। मेरे पास क्या आएगा? N by 2 into 2A, that is 14, plus N minus 1 into D. ठीक है? ये आ जाएगा मेरे पास। This should be equal to 920. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 को अगर मैं उधर cross multiply करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 18, 40 is equal to n into, ये मेरे पास क्या ओपन अप करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3n minus 3, तो 14 minus 3 is 11, तो 3n plus 11। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर सिंपलीफाई किया ये हुआ 3n square plus 11n minus 18 40 equal to 0। अब ट्राई करते हैं अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं मुझे सम क्या बनाना है 11, प्रोडक्ट क्या बनाना है minus 18 40 to 3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए फैक्टर्स का। तो यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो माइनस 1840 तो हमारे पास बेसिकली क्या है 920 इंटू 2 है, तो हमारे पास क्या बन रहा है माइनस 2 इंटू, और हमारे पास क्या बनेगा ये माइनस 2, 920 2 से डिविजिबल है, देन हमारे पास क्या आएगा देन फर्दर इट विल कम आउट टू बी इंटू 2 अगेन। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा इंटू 2। ठीक है, देन हमारे पास क्या बनेगा इंटू 5। ठीक है, ये अगर मेंटली नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे फैक्टर्स अलग से बना के देख लेते हैं 1840 के फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या है बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इस जीरो को रिमूव कर दूँ, ठीक है, जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 into 5 10 हो गया। अब 184 के सीधा फैक्टर्स हम सिंपली बना सकते हैं, तो हमारे पास 2 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 92। ठीक है, देन हमारे पास 2 आएगा, ये हमारे पास क्या है 46, देन हमारे पास 2 आएगा क्या बना 23। इसलिए क्या 2 क्यूब इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इंटू 23 और ये बचा हुआ 3 इंटू 3, तो ये हमारे जो फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज के अब इसको मुझे डिवाइड करना है किसी ऐसे वे में ताकि हमारा सम 11 आ जाए, प्रोडक्ट ये आ जाए। अगर मैं देखूँ हमारे पास सम 11 बनाना है तो 23, ठीक है, इसको तो एक साइड रखूंगा, इसके साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई 23 इंटू 3 देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा 23 इंटू 3 ये हो गया हमारे पास 69, एंड ये हमारे पास क्या हो गया This is 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 2's are 16, 16 into 5 is 80, तो 80 हो गया ये, और माइनस साइन है, माइनस अगर मैं इसके साथ लगाऊं, 80 minus 69 is 11, और यहाँ पे देख सकता हूँ मैंने सारे फैक्टर्स यूटिलाइज कर लिए, तो बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं 80 एंड माइनस 69। ठीक है, इन दो का यूज करके मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो हमारे पास क्या है 3n square plus 80n minus 69n, ठीक है, minus 1840 equal to 0। तो यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, n is 3n plus 80, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा इधर 23 कॉमन आएगा। ठीक है, ताकि मेरे पास क्या बन जाए 3n plus 80, 8080, ठीक है, ये आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देख भी सकते हैं 23 into 3 69 minus 9 के साथ 23 into 80 हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था इधर हमारे पास 23 into 80, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 तो अलग था, 23 into 80 हमारे पास basically 1840 आ रहा था। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा n is 23 और minus 80 by 3। अब n तो हमारी number of terms है, वो तो 9 fraction हो सकती है, 9 negative, तो ये तो हो ही नहीं सकता, therefore n हमारे पास क्या आ गया 23। और ये पूछा गया था how many terms will add up to sum of 920, that is 2323। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।